हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑटो रेव्स हिंदी पे। सो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इस बाइक का, जो कि है यामा की FZ25। और जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है ये मोटरसाइकिल। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक्स तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी लोगों का अट्रैक्ट करेगी, जो कि एक स्पोर्ट्स नेकेड मोटरसाइकिल चाहते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी जो सीट है वो थोड़ी हार्डर साइड पर है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल या कुछ नहीं है। आगे आपको 282 mm का डिस्क मिल जाता है। टायर साइज़ के बारे में बात करें तो आपको फ्रंट में मिल जाता है 187 inches का टायर, पीछे आपको मिलता है 140 सेक्शन 80 and 17 inches रिम्स। 17 inches के रिम्स मिल जाते हैं आपको। जो आप एग्जॉस्ट देख रहे हो, काफ़ी मस्कुलर और बीफी लगता है। ग्रैब रेल्स भी काफ़ी ज़्यादा चंकी और काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट फील कराते हैं। और बाइक भी काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है, काफ़ी बिल्ट टू लास्ट है, काफ़ी अच्छी लगती है। दीज आर द टेल लैम्प्स, जो टेल लैम्प्स आप देख रहे हो वो LEDs है। सो टेल लैम्प्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ द बाइक लुक्स लाइक। नाउ लेट मी क्विकली शो यू गाइस द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, ये आपका ओडोमीटर, दिस इज योर फ्यूल गेज। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो ट्रिप 1 ट्रिप 2, ये आपका एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, दिस इज़ फॉर योर टाइम। सो ये साइड आपको इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, दिस इज़ फॉर योर स्टार्टिंग एंड दिस इज़ फॉर योर इंडिकेटर्स, दिस इज़ फॉर योर पास बाय स्विच एंड दिस इज़ फॉर योर हॉर्न। हॉर्न साउंड्स क्वाइट नाइस आई वुड से। मिरर्स रियली डू नॉट गिव यू अ गुड व्यू ऑफ व्हाट्स बिहाइंड। लेट मी क्विकली शो यू गाइस दी हेडलैम्प्स। तो ये है आपके हेडलैम्प्स, आपको जो आगे है वो LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, दिस इज़ योर पार्किंग लाइट। सो गाइस आई थिंक दैट्स अबाउट इट। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी सेमी फेयरिंग दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा फील देती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देती है। सो गाइस दैट्स अबाउट इट। आई होप कि मैंने सब कुछ डिटेल में कवर किया है। नाउ इट्स टाइम टू गेट राइडिंग और चला के देखते हैं कि ये बाइक किस तरह का परफॉर्म करती है रोड्स पे। सो एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि किसको ये बाइक लेनी चाहिए और क्यों। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, आई विल सी यू गाइस ऑन द रोड्स। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑटो रेव्स हिंदी पे। सो अब इस वक्त मैं चला रहा हूँ यामा की FZ25। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सटीरियर और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा दिया है। सो नाउ इट्स टाइम टू गेट राइडिंग एंड लेट्स सी व्हाट दिस बाइक हैज़ टू ऑफर आउट ऑन द रोड्स। सो अब बात कर लेते हैं इसके चलाने के बारे में और इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या ये बाइक लेनी चाहिए और किनको ये बाइक लेनी चाहिए। तो स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द इंजन इज़ समथिंग विच आई रियली लव अबाउट दिस बाइक। ये जो इंजन है बहुत ही अच्छा इंजन है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। जैसे ही आप इसको पुल करेंगे, एज सुन एज यू पुल इट, एज यू कैन सी इट हैज़ अ लॉट ऑफ पंच ऑन ऑफर। लो एंड इज़ गुड, मिड रेंज इज़ स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा इंजन है। आपको काफ़ी पंची फील होगा, लो एंड काफ़ी अच्छा है इंजन का, जिसकी वजह से आपको सिटी में चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो क्लच है इसका थोड़ा हैवियर साइड पे है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्राउडेड लोकेशंस में, बट अदर देन दैट काफ़ी अच्छा इंजन है, काफ़ी पंची इंजन है। अब बात कर लेते हैं इसके रिफाइनमेंट की। बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी बाइक पर नहीं है। टॉप एंड में भी जब आप लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको नहीं मिलते, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इंजन के मामले में डेफिनेटली ये बाइक काफ़ी ज़्यादा शाइन करती है, क्योंकि काफ़ी पंची इंजन है और काफ़ी रिफाइंड भी है। अब बात कर लेते हैं इसके राइड क्वालिटी की। तो राइड क्वालिटी के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक नहीं है, क्योंकि ख़राब सड़कों पे आपको बहुत ज़्यादा फील होगा, आपको थोड़ा स्लो लेके जाने पड़ेगी बाइक जब आप ख़राब सड़कों से जाते हो तब। लेकिन सिटी और इस तरह के हाईवेज पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कराएगी, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बाइक है और डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील होती है जब आप चलाते हो उसको सिटी के अच्छे सड़कों पे और हाईवेज पे। लेकिन जब आप इसको ख़राब सड़कों पे लेके जाते हो तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है ये बाइक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो सीट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, कुशनी नहीं है, जिसकी वजह से लॉन्गर राइड्स आप अगर टोरिंग के बारे में सोच रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी टोरर मोटरसाइकिल नहीं है ये। सो ये चीज़ें हैं इस बाइक के साथ। अब बात कर लेते हैं हैंडलिंग की। तो हैंडलिंग भी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है और इजी टू मनूवर है, लेकिन समहाउ वो उतना ज़्यादा फील एंड फीडबैक नहीं आता है आपको हैंडल बार से, और बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है एट द सेंटर हेड पोजीशन। सो राइड एंड हैंडलिंग के मामले में थोड़ी बहुत और बेटर हो सकती थी ये बाइक। इंजन के मामले में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इंजन यूज़ किया गया है भाई यामाहा। तो इसमें आपको मिलता है 250cc का पेट्रोल यूनिट, जो कि एक 2-valve SOHC यूनिट है, प्रोड्यूस करता है अराउंड 20.9 PS की पावर और 20 Nm का टॉर्क देता है आपको। और ये जो आपका
टॉर्क और पावर डिलीवरी है वो मिड रेंज और लो एंड में आता है, जिसकी वजह से आपको जो लो एंड और मिड रेंज है काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होगी। टॉप एंड थोड़ा बहुत और बेटर ज़्यादा हो सकता था, बट नेवर माइंड। जिस तरह से इसका रिफाइनमेंट है, जिस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है, आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय द इंजन। राइड क्वालिटी और हैंडलिंग के मामले में थोड़ी और ज़्यादा बेटर बाइक हो सकती थी। ये जो आपका 250 सीसी का मोटर है इस कपल टू अ 5 स्पीड गियरबॉक्स, 6 स्पीड यूनिट नहीं है, 5 स्पीड गियरबॉक्स आपको मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत ही स्लिक शिफ्टिंग यूनिट है। मैं इस बाइक को पहले भी चला चुका था जब इसके ऑलमोस्ट 500-600 किलोमीटर इसने किए थे, तब इसके गियरबॉक्स में थोड़ा सा इश्यूज़ था क्योंकि न्यूट्रल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता था इसमें, लेकिन इस वक्त इसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी स्लिक शिफ्टिंग यूनिट है, काफ़ी इजीली गियर बदल जाते हैं, आप चेंज कर सकते हो इजीली। तो इन टर्म्स ऑफ गियरबॉक्स बहुत ही अच्छी बाइक है। इन टर्म्स ऑफ क्लच थोड़ा बहुत हैवी है, लेकिन ये डेफिनेटली कुछ इशू हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्राउडेड लोकेशन में चलाते हो तो आपको दिक्कत आएगी, वरना वो कोई इशू बहुत बड़ा नहीं है। और नाउ बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग के बारे में। ये जो मैं बाइक चला रहा हूँ इसमें ABS नहीं आता है, अल्दो अभी यामाहा ने ABS इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये पर्टिकुलर बाइक में ABS नहीं है। फिर भी इसकी ब्रेकिंग क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है बाइक ब्रेकिंग करने के टाइम, और काफ़ी अच्छे ब्रेक्स है, तो ब्रेक्स के मामले में डेफिनेटली मुझे पसंद आई ये बाइक। ब्रेकिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ABS ना होने के बावजूद, सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। बिल्ड क्वालिटी भी बाइक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी रिलायबल होनी चाहिए जिस तरह की इसकी बिल्ड है। ये इसका वेट है ऑलमोस्ट 152 kgs, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 14 लीटर्स, आपको एवरेज दे देगी करीबन 35 से लेके 45 के बीच में, डिपेंडिंग द वे यू राइड, आपको जिस तरह से आपका चलाने का स्टाइल होगा। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी बेसिक है, बहुत ज़्यादा फंकी नहीं है, लेकिन काफ़ी ईजी टू रीड है, जो कि एक अच्छी बात है। सो गाइज, नाउ कमिंग ऑन टू द वर्डिक्ट, किसको ये बाइक लेनी चाहिए। नाउ इफ़ यू आर समवन, अगर आपको को एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल चाहिए एट अ रीजनेबल प्राइस, इसकी प्राइस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, एक शोरूम आपको लगभग 1,33,000 के लगभग एक शोरूम आपको पड़ेगी, जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है फॉर अ 250 सीसी मोटरसाइकिल। तो उस हिसाब से डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये बाइक। अगर आप एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल के बारे में सोच रहे हो जिसमें पंच हो, एक रॉ फीलिंग हो, और अगर आप मोस्टली सिटी और हाईवे रोड्स पे चलाते हो, देन डेफिनेटली दिस इज़ द बाइक विच यू शुड गो विथ। सो गाइज, आई थिंक मैंने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है, अगर आप टॉल राइडर हो तो एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है आपके साथ, क्योंकि इसका जो वेट है 152 kgs है, और क्लच भी थोड़ा हेवियर साइड पे है, और शॉर्टर राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी ये बाइक। अगर आप टॉलर साइड पे हो, अगर आप 5'7" या 5'8" के अबव हो तो आपको इजी होगी इन ऑर्डर टू मन्यूअर दिस। 5'6" के भी अबव हो तो आराम से आपको आप मन्यूअर कर लोगे, लेकिन फॉर शॉर्टर राइडर्स डेफिनेटली थोड़ी दिक्कत आ सकती है इन टर्म्स ऑफ मन्यूअरिंग। सो दैट इज़ अबाउट इट। सो गाइज, दिस इज़ माई रिव्यू ऑफ द FZ25। आई होप कि आपको ये रिव्यू मेरा पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम और अदर, यू कैन डेफिनेटली आस्क इट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, ड्राइव सेफ, राइड सेफ, बाय बाय।